मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन के लिए, और गिरफ्तारी पर क्या कैसे आप कमेंट करें? मैं तो यही कहूंगा, ये उत्पीड़न की राजनीति का एक मिसाल है, प्रतिशोध की राजनीति का एक मिसाल है, और जांच होनी चाहिए। अगर कोई केस है, जांच कीजिए, जांच एजेंसियों को सही इस्तेमाल कीजिए। पर यह तो दुरुपयोग हुआ है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, विपक्ष, तमाम विपक्ष पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जान चुके हैं कि जनादेश उनको नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन जो जनबंधन के रूप में उभर कर आया है, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन मिला 16 राज्यों में राहुल गांधी जी को, तो ये सब ये भोकलाए हुए हैं। कह रहे जांच होनी चाहिए, तो उसके समन के लिए कई समन भेजे गए, चाहे हेमंत सोरेन को या अरविंद केजरीवाल को, वो गए नहीं, फाइनली उनको गिरफ्तार। हम एक कानून के आधार पर ये देश चलता है। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में न्यायपालिकाएं हैं, और चुने हुए नेता भी हैं। लोकतांत्रिक जनादेश पार्टियों को मिलता है, नेताओं को मिलता है। तो मैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। जांच कीजिए, सही तरीके, पारदर्शिता से कीजिए। ये सिलेक्टिवली जो आप चुन चुन कर और टाइमिंग जो आप करते हैं, कल का टाइमिंग क्या था? कल हमारे अध्यक्ष सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको हेडलाइन दबाने के लिए आपने ये रात को ये ड्रामा रचा गिरफ्तारी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। कितना असर पड़ेगा सर लोकसभा चुनाव पर, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें? गठबंधन जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि ये हमारे लोकतंत्र पर एक हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। इससे फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को, इससे सहानुभूति, हमें सहानुभूति मिलनी चाहिए और मिलेगी, और हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हुआ है, चंदा दो धंधा लो, 8,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया है, और 4,00,000 करोड़ के धंधे इन्होंने दिए हैं कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को। एक आखिरी में, क्या पोजीशन है कांग्रेस की इस बात पर कि बीजेपी कहती है कि इस मामले की शिकायत तो खुद कांग्रेस ने की थी कभी एक जमाने में, और आज गठबंधन हो गया तो आप कार्रवाई को गलत ठहरा? छोड़ो कल की बात पुरानी, अब तो इंडिया गठबंधन है सही कहानी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्पीड़न की राजनीति करार दे रहे हैं जयराम रमेश अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, और कह रहे हैं कि इस कार्रवाई को लोग देख रहे हैं और इससे इंडिया गठबंधन को सहानुभूति मिलेगी, लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।